हाँ भाई, ये मुझे बताना था, होमोजेनस वाला पार्ट बताना था या बता देता? हाँ, इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे 0 0 0, होमोजेनस के हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे 0 0 0, a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, इसका हमेशा आंसर 0 0 0 तो है ही, है ना? तो तीनों इक्वेशंस का आंसर 0 0 0 है ही, ठीक है? इसके अलावा जब d1 लिखोगे, d2 लिखोगे, d3 लिखोगे होमोजेनस वालों में, तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा ये चीज़ 0 आएगी, क्योंकि क्या, इसमें जो कॉलम बने ना एब्सोल्यूट टर्म्स का, जो कॉलम बनेगा d1 के अंदर, फर्स्ट कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम की सारी एंट्री क्या आएंगी? 0। d2 के अंदर क्या होगा, जो सेकेंड कॉलम की एंट्री आएंगी सारी 0। d3 में थर्ड कॉलम की एंट्री 0 आएंगी, तो तीनों एंट्री 0, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0। तो ये देख लो समरी 1, डेल्टा नॉट 0, देन द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बनेगा। और ये नंबर क्या है? 0 नहीं है, उसको x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? 0, यानी कि कुछ ऐसा 2x है 0, तो 2x अगर 0 है तो x कितना आएगा? 0, है ना भाई? गॉट इट? तो केवल एक ही आंसर आया, है ना, केवल एक ही आंसर आया। जैसे आज जो बताया था मैंने, अभी इस लड़के ने पूछा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 upon a2 b1 upon b2, वैसा कई बार यहाँ पर भी आता है, क्योंकि d1 d2 d3 0 है, तो d1 d2 d3 तो 0 है ही, पर आपका 0 into x 0 आ गया, 0 into y इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 into z अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, इसका कोई भी रियल हो सकता है। तो पढ़ो समरी, पहला डेल्टा नॉट 0, देन गिवन सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फिर आंसर केवल क्या आएगा? इसका आंसर एक ही है, 0, पिछली टर्म पे समझा दिया, है ना, इसका एक ही आंसर आएगा। और डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया, तो कैसी पिक्चर बन रही है? ऐसी। और इस केस में कितने सॉल्यूशन आ गए? इनफाइनाइट आ गए। गॉट इट? ठीक है। अब जो स्पेशल केस लिखा हुआ है वो है ना, इसके लिए लिखा हुआ है, जो आपका जहां पर क्रेमर्स रूल के स्टार्टिंग में d1 d2 d3 मेंशन है ना, उनके लिए लिखा हुआ है। ओके, वो होमोजेनस के लिए नहीं है, स्पेशल केस होमोजेनस के लिए नहीं है, वो किसके लिए? जनरल के लिए है। हाँ, अब मान लो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आपके चारों 0 आ गए, d1 d2 d3 और d चारों 0 है, तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? अपने को तो लग रहा है कि भाई ये आपका क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, पर ये गलत है ना। उसका प्रत्यक्ष एग्जांपल ये xyz1 xyz2 xyz3, ठीक है, इस केस में आप डी लिखो, ये बनेगा d1 लिखो, d1 कितना आएगा? 1 2 3, ये आएगा। देखा आपने, कोई भी आप d1 d2 d3 में से कुछ भी लिखो, d1 में आपका c2 c3 सेम आएगा, d2 में आपका c1 c3 सेम आएगा, और d3 में आपका c1 c2 सेम आएगा, दो कॉलम सेम आ जाएंगे, तो क्या आएगा? 0, सारे 0। पर क्या कोई ऐसा x y z इस संसार में हो सकता है कि x plus y plus z 1 है और x plus y plus z आपका 2 है? क्या ऐसा कोई x y z हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता ना। अगर कोई आपने नंबर लिया तो उन तीनों का सम या तो 1 होगा या 2 होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, तो इसका अर्थ क्या है? नो सॉल्यूशन। इन्हीं दोनों को देख करके आप बता सकते हो कि नो सॉल्यूशन है, तीसरे को तो देखने की जरूरत भी नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, यहां से ही आप कह सकते हो कि भैया कोई आंसर ही नहीं आ सकता इसका, तो ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 1, 2x 2y 2z इज 2। तो देखिए, कई बार एग्जाम में उल्लू बनाता है ना, कैसे मामू बना देता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, ठीक है, ऐसा वो क्या करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 2y 2z इज 2। अब ये क्या है बे, हैं, उल्लू बना दिया, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो एक ही चीज है ना। वो बोल रहा है कि हम आपको दहेज में कार देंगे, स्कूटर देंगे, टीवी देंगे, कुछ ही नहीं दिया, दिया ही नहीं, तो ये तो वही है, ठीक है ना, ये तो वही है, तो कुछ दिया नहीं उसने,
उल्लू बना दिया, पैकेट बड़ा सा बना दिया, उसमें दिया एक ही चीज, ठीक है ना। तो आपको कोई नई चीज नहीं दी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, टू एक्स टू वाई टू जेड टू, थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड इज थ्री, सब एक ही चीज है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, बस इसी को देखो, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस यही चीज है आपको दे रखी है, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे। एक ही आंसर तो कितना इनफाइनाइट है, इस पे वन जीरो जीरो ले और ले बेटे और ले वन वन माइनस वन, ठीक है ना, ऐसा और ले बेटे और ले जब कुछ देना ही नहीं है तो फिर तो लेते जाओ, ठीक है ना। तो ये तो एक के तो क्या इनफाइनाइट आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू, तो इनफाइनाइट जेड जनरेट होते जाएंगे आपके, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी में आया था तुम्हें क्या लगा क्या सीखा डी वन डी टू डी थ्री इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये कितना है जीरो है। अगर ये आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी यही तो सीखा, दोनों कुछ भी हो सकता है, दोनों कैसे होगा भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अलग चीज होती है, सिस्टम कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो कुछ भी हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि क्या है, मतलब नो वाला केस है या आपका क्या कहते हैं नो वाला केस है, इनफाइनाइट वाला है, देख लेना, देख कर पता चलेगा। देखो अगर ऐसा दे दिया तो कैसे पता चलेगा कि जीरो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हाउ टू नो, देखो बेटे नैनो से है ना, नैनो से देख के पता चलेगा। अरे गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, नैनो गाड़ी से देख के पता नहीं चलेगा, आंखों से पता चलेगा, लिख लो, आपको देख करके पता करना पड़ेगा। जीरो भी हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, आंखों से देख के पता चलेगा। हाँ भाई कैसे पता चलेगा, आंखों से देख के देख लेना कि भाई उल्लू तो नहीं बना दिया, तीन तीन की जगह एक ही दे रहा है ना। और पैरल वाली चीज, उसे पैरल कहते हैं, इस चीज को ना पैरल कहते हैं। देखो जैसे लाइन पैरल होती है ना, वैसे यहां पर ये 3D में प्लेन होता है, पर उसकी आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तो ये बता दो, ऐसे देख के बता सकते हो भाई, एक गिवन एक्स वाई जेड के लिए, मान लो कोई सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन और एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं कोइंसिडेंटल प्लेन, कोइंसिडेंटल लाइन पैरल लाइन, याद है ना, नहीं कहाँ याद है, याद होता तो फिर आज पूछते क्या डाउट है अगर कोइंसिडेंटल लाइन पैरल लाइन याद होता तो आज डाउट थोड़ा ना पूछते, आज ये नौबत थोड़ी ना आती है, आज ये नौबत थोड़ी ना आती। हाँ, और पैरल के लिए, पैरल की कंडीशन क्या है, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू नॉट इक्वल टू है ना डी वन बाय डी टू, उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो ए वन एक्स बी वन बाई सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन की। तो ये आपका पैरल का केस, ठीक है, और ये आपका कोइंसिडेंटल का केस, ठीक है ना। ऐसे में क्या है, एक ही चीज दे रहा है वो, ऐसे में आपका कोई आंसर नहीं आने पाएगा, है ना। सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल है ना, सलोव की जगह वो स्लो सॉल्व कर लो उसको, है ना। हाँ भाई, तो क्या करना है, क्रेमर्स रूल से ही करते हैं, एक बार करके तो देखते हैं, है ना। अदरवाइज आसान तरीका तो ये कि मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दूं, तो कितना आएगा, टू वाई इज इक्वल टू फोर, वाई टू आ जाएगा, वाई टू आ जाएगा, फिर आप आराम से कर पाओगे दो इक्वेशन दो वेरिएबल से। खैर लिखो बेटे डी वन 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 ठीक है यार, निकालो वैल्यू कितना आ रहा है, डी टू का वैल्यू निकालो, डी वन का वैल्यू निकालो,
और बताओ डी कितना रहा है? 14 आ रहा है। टी वन कितना रहा है? 14 आ रहा है। 4 14 आ रहा है तो 28 और ये D3 कितना आ रहा है? 28 और ये 42 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? X1 आ जाएगा, Y2 और Z3 ना। तो आंसर है 1, 2, 3। ठीक है भैया, हो गया सवाल है। हाँ, 31 पर आओ। हाँ भाई, अब मान लो ऐसा हो गया, मान लो ऐसा आ गया, यानी कि D1 आ गया 1 और D आ गया 0। 0 इंटू एक्स एस 1 क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा, है ना? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखो, नो सॉल्यूशन आपके दो तरीकों से आ सकता है। एक तो पैरल से, है ना, एक तो पैरल से नो सॉल्यूशन आ सकता है। दूसरा, D0 आ जाए एटलीस्ट 1 ऑफ D1, D2, D3 इज नॉट 0। कोई एक आपका नॉन जीरो आ जाए, है ना, उससे क्या होगा? 0 इंटू एक्स इज नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन ऐसे भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन पैरेलल वाले से भी आ सकता है ना। हाँ, अब 31 पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में जग जाहिर है कि D0 तो आएगा ही आएगा, है ना भाई? D0 आएगा, तो D0 कर दिया अपने, तरह 2P6 1Q और 1 3 सही ये आएगा। अब इसमें क्या क्या, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस और दिस माइनस दिस कर दिए, तो कितना जाएगा? 0P-2 0, है ना भाई? R1 इज R1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा? 0 1Q-3 1 1 3। R1 इज R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, मैं लिख देता हूँ, एंड R2 इज R2 माइनस R3। ठीक है, अप्लाई किया, यहां से खोल लो आप, कितना रहा है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आया P-2 Q-3 0, अर्थात या तो P2 हो जाए या फिर Q3 हो जाए ना, अगर D0 तो ये करना है। हाँ भाई, अगर D0 कर दिया आपने तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। अगर D0 है, नो सॉल्यूशन आएगा, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने P2 के लिए देखा पहले ना, पहले ऐसा करते हैं, P2 के लिए चेक करते हैं, अगर P2 हो गया तो क्या होगा। P2 के लिए इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखो, P2 के लिए इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखो, देख रहे हो? हाँ, पहला और तीसरे को ध्यान से देखो, देख रहे हो? पहले और तीसरे को ध्यान से देखो, देख रहे हो? मामू बना दिया, एक ही चीज दे दिया, पहला और तीसरा तो एक हो गया, तो P2 है तो कितना इक्वेशन हमारे पास? 2। नाम क्या है? X+Y+3Z=4 और X+2Y+QZ=5। यहाँ तक ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूँ
कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इसका और इसका, ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना, कितने आंसर आएंगे, एक्स वाई जेड कितने आएंगे, क्या ये पैरेलल आ सकते हैं क्या, कैन दीज टू बी पैरेलल और कोइंसिडेंटल, नहीं हो सकते, क्यों, पैरेलल या कोइंसिडेंटल होने के लिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो कम से कम होना चाहिए, क्या ऐसा आ रहा है क्या, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, तो ना पैरेलल ना कोइंसिडेंटल तो कैसे होंगे, भिड़ेंगे, फिर तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं बेवकूफ हूं, ठीक है ना, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, देखो ऐसा आएगा, प्लेन ना ऐसा होता है, इस तरह के जैसे रेखाएं पैरेलल होती है ना, दो रेखाएं दो लाइन होती है, वैसे प्लेन होता है, प्लेन एक सतह होती है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, तो ये इस तरह से, ये तो क्या है पैरेलल प्लेन, ये क्या आपका कोइंसिडेंटल प्लेन, और दो प्लेन अगर भिड़ेंगे तो ऐसे भिड़ेंगे, कैसे भिड़ेंगे, ऐसे भिड़ेंगे, कितनी जगह भिड़ते हैं दो प्लेन, इनफाइनाइट जगह, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर है, और एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है, मान लो दो प्लेन ये है, मान लो ये आपके दो प्लेन है, ठीक है, तो कितने पॉइंट हैं जो दोनों पर लाई कर रहे हैं, कितने पॉइंट है, कितने एक्स वाई जेड है, कितने ऑर्डर ट्रिपलेट है, अपन ने क्या किया, दोनों को, दोनों में एक्स को ले लिया लैम्डा, लिखो वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर माइनस लैम्डा, टू वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस लैम्डा, एक्स को लैम्डा लिखा है, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिक्स जेड माइनस जेड कितना आएगा जेड, आठ माइनस पाँच कितना आएगा तीन, माइनस लैम्डा, है ना, जेड ही आ गया, इसको अपने यहाँ रख दिया, तो वाई प्लस नाइन माइनस थ्री लैम्डा, लिखो यहां तक लिखते जाओ, अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, व्हाट डज दिस मीन, इट मींस कि लैम्डा की जगह आपने वन रखा तो एक सॉल्यूशन, टू रखा तो एक सॉल्यूशन, माइनस वन रखा एक सॉल्यूशन, माइनस सेवन रखा तो सॉल्यूशन, यानी कि लैम्डा की जगह आप कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, जो ये जनरेट होगा ना आपका, इससे आपके ये सारे नंबर जो है ये आपके इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, गॉट इट, तो कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, और उनकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी, उनकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, ओके, तो दो इक्वेशन अपने को, दो इक्वेशन अपने को अगर पैरेलल ना दे रखी हो तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना, दो पैरेलल अगर, अगर ये नहीं दे रखा है, इस तरह का नहीं है मामला, भिड़ने वाला ही है, तो कितनी जगह भिड़ेंगे दो प्लेन, इनफाइनाइट जगह, ठीक है, तो आंसर कितने आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं, कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ओके, अगर आपको प्लेन वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये इक्वेशन सॉल्व करके इस तरह से लिख करके दिया है, ओके, तो अब तो दिख गया होगा आपको, लैम्डा की जगह वन रखा एक आंसर, टू रखा एक आंसर, थ्री रखा एक आंसर, ठीक, हाँ, तो अब आप क्यू की जगह कुछ भी रख लो आप, क्यू की जगह कुछ भी रख लो आप, इन दोनों के कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट, ओके, अच्छा, तो इसका मतलब P2 के लिए क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, P2 के लिए क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अच्छा, अब ये तो एक तरीका था इंटरप्रेट करने का, क्योंकि 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 अपने को पट 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 दिख गया था, पहला और तीसरा क्या है सेम, ठीक है ना, क्यों जल्दी हो गया, वन और थ्री क्या आ गए, सेम दिख गए थे, पर असल तरीका ये है, निकालो D1 D2 D3, P2 के लिए D1 D2 D3 लिखो बेटे, कितना आ रहा है, P2 के लिए राइट D1 D2 D3, हाँ D1 लिख रहे हैं, D2 लिख रहे हैं, P कितना आया था, 2 आया था ना,
ठीक ही है। अब इसमें R1 और R3 खटाखट दिखे गए, R1 is R1 minus twice R3, कितना जाएगा 0 0 0, ये तो 0 आ रहा है। अच्छा ये सेम फंडा सेम, तो D1 D2 D3 सारे 0 आ गए, ठीक है ना, D1 D2 D3 सारे 0 आ गए और D भी 0 आ गया है ना, तो कितना आ गया, कितना गया देखना पड़ेगा है ना, देखना पड़ेगा, वो देख ही लिया था अपने स्टार्टिंग में कि हाँ पहला और तीसरा क्या है सेम आ रहे हैं। अगर वो पैरेलल आ रहे होते, अगर वो पैरेलल आ रहे थे तो क्या आता, नो सॉल्यूशन है ना, अगर वो पैरेलल आ रहे थे तो नो सॉल्यूशन होता, ठीक है। हाँ नो सॉल्यूशन का अपने देख लिया पी टू के लिए, अब अपने को देखना है सेकेंड केस, क्यू इज इक्वल टू थ्री भी आया था ना, देखो भाई क्यू थ्री के लिए, क्यू थ्री के लिए क्या हो रहा है, क्यू थ्री के लिए क्या हो रहा है, निकालो डी वन डी टू डी थ्री क्यू थ्री के लिए, एट फाइव फोर पी टू वन सिक्स थ्री थ्री डी टू लिख रहा हूँ, डी टू टू वन वन एट फाइव फोर सिक्स थ्री थ्री टू वन वन पी पी टू वन और एट फाइव फोर, ठीक है यार है। अभी क्यू थ्री के लिए दिस माइनस दिस कर दिया, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस कर दिया, ठीक है, और दिस माइनस दिस भी कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो पी माइनस टू जीरो वन वन जीरो फोर वन थ्री है ना, ऐसा आएगा। डिटर्मिनेंट को देखा कितना रहा, प्लस माइनस दो तीन माइनस चार, तो फोर इंटू पी माइनस टू आ रहा है, डी वन आ रहा है आपका ये है ना, डी टू दिस माइनस ये तो जीरो आ गया, डी टू कितना आ गया जीरो, इसमें क्या क्या अगेन वही दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस जीरो पी माइनस टू जीरो और जीरो वन 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 फोर है ना, तो कितना रहा पी माइनस टू आ रहा है इक्वल टू पी माइनस टू, डी थ्री आ रहा पी माइनस टू, तो क्यू अगर थ्री होता है तो D0 आ रहा है, क्या फोर की जगह क्या है, थ्री इंटू टू माइनस पी आ रहा है, अच्छा नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं एक्चुअली, तो वो बेसिकली फैक्टर P माइनस टू आना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्टर है, और P अगर अपन 2 ना लें तो ये क्या आएगा, P अगर 2 लिया तो ये 0 आएगा, P अगर नॉट 2 लिया तो कितना आ जाएगा नॉट 0 आ जाएगा, फैक्टर वाली बात ही थी है ना। हाँ वैल्यू ऑफ P एंड Q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन, तो P अगर आपका 2 नहीं है, मान लो P 2 नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, और वो आपका D कितना है 0, तो D 0 होने से क्या होगा, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड क्या है नॉट 0, तो क्या जाएगा नो सॉल्यूशन। तो P 2 है और Q भी 3 है, P भी 2 है Q भी 3 है, तो कितना आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और Q 3 है और P 2 नहीं है तो क्या आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, P 2 है और Q 3 है, P 2 Q 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, Q 3 P नॉट 2 नो सॉल्यूशन, ठीक है लिख लो अच्छे से लिख लो।
P2Q3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, P2 केवल P2 हो तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, Q से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, Q का कोई भी वैल्यू P2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, P2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। हाँ Q3 हो P02 तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। Q3 हो P2 ना हो तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, हाँ नो सॉल्यूशन। हाँ भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, नॉट जीरो कर दो, यूनिक सॉल्यूशन होता है D0। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं एक ही सॉल्यूशन आएगा D0। आंसर कितना आएगा, D1 by D, D2 by D, D3 by D, ये यूनिक आ जाएगा, एक ही आंसर, मतलब यूनिक मतलब एक ही आंसर।